Good morning to all of you students. We are back live again. Now that day I think we have taken some questions of vernier caliper, right? Vernier caliper ke kuch question aur apan kar rahe hain. Dekho. In a vernier caliper, one centimeter on the main scale, 1 centimeter on the main scale is divided into 10 equal parts. Into 10 equal parts. Full stop. If 10 divisions, if 10 divisions of the vernier scale, 10 divisions of the vernier scale coincide with nine divisions of the vernier scale coincide with 9 divisions of the main scale. 9 divisions of the main scale. Then, what will be the reading? Indicated by the vernier caliper. What will be the reading indicated by the vernier caliper as shown in figure? आज थोड़ा बड़ा बना के दिया मैंने तुम्हारे को डायग्राम, ठीक है ना? अभी चेक करो डायग्राम सही दिख रहा है क्या तुमको? अब बोर्ड पे जो बना हुआ है, you're able to see the diagram on the board clearly? Yes, very good. अब बोलो इसका रीडिंग क्या आएगा? लैपटॉप से ज्वाइन क्यों नहीं हो रहा? होता ना लैपटॉप से, उसके सेटिंग है ना, लैपटॉप से ज्वाइन करने की सेटिंग है उसके अंदर, वो सेटिंग कर लिया अपलोड तो आ जाएगा तेरा लैपटॉप। बहुत सारे बच्चे देख रहे लैपटॉप से, हमारे दूसरे मैचेस भी चल रहे हैं ना, उसमें बहुत सारे बच्चे दे आर एबल टू सी ऑन लैपटॉप। यू कॉन्टेक्ट ऑफिस पुनल, ही विल टेल यू हाउ टू ज्वाइन विद लैपटॉप। ओके,
अच्छा नहीं, उसमें एक सेटिंग है, वो सेटिंग कर लिया तो आ जाता है लैपटॉप के ऊपर, लैपटॉप पे कन्वीनियंट हो जाता है, ये बात सही है, क्योंकि लैपटॉप पे कैसा है थोड़ा स्क्रीन बड़ा होने की वजह से इट्स बेटर क्लैरिटी देयर। सचिन सर है ना, सचिन सर को एक बार बात कर ले, वो बताएंगे ठीक है। हाँ कितना का रेटिंग बोलो, दो मेथड बताए थे मैंने परसों, देखो सबसे पहले कोइंसाइडिंग लाइन देखो कौन सी है, ये जीरो नंबर की लाइन है बराबर, ये तो कोइंसाइड किसी से भी नहीं हो रही, उसके बाद ये एक नंबर की लाइन है, ये कोइंसाइड हो रही क्या देखो, नहीं हो रही। सेकंड लाइन ये भी दोनों के बीच में आ रही, ये भी कोइंसाइड नहीं हो रही। अब थर्ड नंबर की जो लाइन है वो बराबर ऊपर वाली लाइन को मैच हो रही, देखो थर्ड नंबर की लाइन वर्नियर स्केल की थर्ड लाइन, ये 0 1 2 3 थ्री नंबर की जो लाइन है वो बराबर मेन स्केल को ऐसी क्या कर रही, कोइंसाइड कर रही है, इसको कोइंसाइडिंग डिवीजन बोलते, क्या बोलते, कोइंसाइडिंग डिवीजन। इसको VSD बोलते, क्या बोलते, VSD। तो कितना आ रहा है हमारा VSD, थर्ड लाइन को इनसाइड हो रही है। अच्छा मेरे को एक बात ये बोलो, अपने जो अभी स्टूडेंट्स लाइव लेक्चर अटेंड कर रहे हैं में से कितने लोग लैपटॉप पे लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, हाउ मेनी आर अटेंडिंग ऑन लैपटॉप, इफ समबडी इज अटेंडिंग प्लीज से यस। सारे मोबाइल पे देख रहे, अच्छा लैपटॉप पे कर सकते यूज, आप ऑफिस से कांटेक्ट करो, वो एक सेटिंग बताएंगे आपको, उससे आप लैपटॉप यूज कर सकते हैं ठीक है। You contact office, if you want to use laptop, you contact office, he will tell you how to use laptop. मेरे को कैसा मालूम यूज कर रहे वालों, कि परसों मेरे को उनका मैसेज आया था ऑफिस का, कि आप मोबाइल रिकॉर्डिंग करते टाइम हॉरिजॉन्टल रखते या वर्टिकल रखते, मैंने बोला हॉरिजॉन्टल रखना, तो बोले वर्टिकल रखना पड़ेगा क्योंकि लैपटॉप पे आपका फोटो आड़ा, तो मैंने बोला तो उसको रोटेट कर लेना 90 डिग्री से, तो मैं खड़ा हो जाऊंगा अभी है ना, तो आप ऑफिस से पूछ लो आपको बता देंगे। अब चलो आ जाते क्वेश्चन के ऊपर, कोइंसाइडिंग डिवीजन इसमें कितना है, थर्ड है ओके। अब वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो मेन स्केल को कहां टच कर रहा है ये बोलो, चलो देखिए बोलो फटाफट, वर्नियर स्केल का जीरो Where is it touching the main scale? बोलो वस्मीरा, Where is the zero of the vernier scale touching the main scale? Between 2 and 3। हाँ लेकिन ऐसे नहीं बोलने का ना दर्शना, ये 3 है ना तेरा, हाँ वेरी गुड, ने बोला देखो सही, ये 3 है ना, ये 3 के बाद तेरा क्या आएगा 3.1 3.2 और 3.3, तो किसके बीच में आ रहा हो, 3.2 और 3.3 के बीच में आ रहा, बराबर है, तो 2 एंड 3 नहीं बोलेंगे उसको अपन, 3.2 एंड 3.3, क्योंकि मेन स्केल में तो वैल्यूज आएंगे ना 3.2 पॉइंट ऐसे ठीक है, तो मेन स्केल रीडिंग अपना आ गया MSR।
3.2 से आगे है और 3.3 से पीछे है, जीरो बराबर। इसका मतलब हमको जो कंप्लीट हो गया वही डिवीजन लेना पड़ता। 3.2 कंप्लीट हो गए तो मेन स्केल रीडिंग क्या लेंगे अपन, 3.2 लेंगे, ठीक। कोइंसाइडिंग ऑलरेडी ले लिया अपन ने, अब इसका डिस्काउंट निकालना पड़ेगा। पहला मेथड यूज करेंगे तो डिस्काउंट निकालना पड़ेगा। डिस्काउंट इज इक्वल टू एक्स इंटू ब्रैकेट 1 माइनस m अपॉन n। एक्स बोले तो मेन स्केल का एक डिवीजन। अब मेन स्केल पे क्या बोल रहा हूं, इन 1 सेंटीमीटर देर आर 10 डिविजन्स, इन 1 सेंटीमीटर देर आर 10 डिविजन्स। सो हाउ मच विल बी 1 डिविजन, 0.1 हो जाएगा, 1/10 बोले तो 0.1। तो एक्स की वैल्यू 1/10 ले लेते हैं, 1 माइनस। अब बोलो एम क्या है, मेन स्केल के डिविजन्स कितने, मेन स्केल के डिविजन्स है 9 डिविजन्स है, बोलो ना आगे चल के वो मेन स्केल के कितने डिविजन्स है, 9 डिविजन्स है। वो किसके साथ कोइंसाइड कर रहे हैं, वर्नियर स्केल के 10 डिविजन्स के साथ। देखो क्वेश्चन में है ऐसा, इसका मतलब m is 9 मेन स्केल डिविजन्स, और वो कितने वर्नियर स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहे, 10 के साथ कोइंसाइड कर रहे, तो कितना जाएगा आंसर तुम्हारा, 1/10, और ये तुम्हारा 10 माइनस 9 1, तो 1/10 इंटू 1/10 1/100। ये आ गया तुम्हारा डिस्काउंट। ये सबके ध्यान में आ गया, ये हो जाएगा तुम्हारा 3.2। प्लस 3/100 मतलब 0.03, तो आंसर आ जाता अपना 3.23 सेंटीमीटर, राइट।
अब बोलो ये मेथड समझ में आ गया ना सबके, ये मेथड यूज कर सकते हैं अपन, सिर्फ यूज कब नहीं करते हैं काम देखो, जब n बड़ा हो गया और n छोटा हो गया, मतलब 9 वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड विद 10 मेन स्केल डिवीजन, ऐसा अगर बोलता था वो, तो फिर ये मेथड हमको चलती थी क्या? फिर नहीं चलती थी, क्योंकि ये 10 बाय 9 हो जाता था, तो 1 माइनस 10 बाय 9 करते तो ये आंसर नेगेटिव में आता था, कहीं में आता था ये, द आंसर वुड हैव बीन नेगेटिव, सो दैट इज व्हाई दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड व्हेन m is greater than n. लिख रख लो ये पॉइंट, दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड व्हेन m is greater than n. एलसी परसों के लेक्चर में एब्सेंट था क्या? यस, परसों के लेक्चर में एब्सेंट था, वेनेसडे के लेक्चर में बोल के इधर, अभी अब इसके आगे ध्यान रखना, अभी अपन एब्सेंट अगर है ना कभी, तो वो लेक्चर अपने पास वीडियो फॉर्मेट में रहेगा, कहीं ना रहेगा लाइव क्लासेस में जाना है आपके अंदर, तो वीडियो फॉर्मेट में वो लेक्चर रहता, उसको एक बार देख लेना, ठीक है, एक आधी बार आदमी सो जाता, एक आधी बार हमेशा हमेशा नहीं, तू देख लेना, डिस्काउंट का पूरा डिटेल डिस्कशन है उसके अंदर, डिस्काउंट इज 1 MSD माइनस 1 VSD, ये बेसिक फॉर्मूला है डिस्काउंट का, डिस्काउंट इज 1 MSD माइनस 1 VSD, और फिर क्या किया है, ये जो 9 और 10 का वैल्यू दिया ना मैंने, ये अभी जो क्वेश्चन में मैं बोल रहा कि 10 VSD कोइंसाइड विद 9 MSD, तो इसमें से 1 VSD आ जाता ना 9/10, ऐसा, तो फिर यहां रख देने का 1 MSD माइनस 1 VSD, 1 MSD तो तेरा x है, तो मैंने क्या बोला 1 MSD को x बोला, माइनस 1 VSD तेरा कितना देगा 9/10x, MSD लेना पड़ेगा ना x अपने, तो फिर ये x कॉमन आ जाता, ये x कॉमन लिया मैंने 1/10, ये मेन स्केल पे 10 लाइन की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है, तो एक लाइन की वैल्यू 1/10 हो जाएगी x, और ब्रैकेट में 1 माइनस 9/10 बचेगा, मान लीजिए x कॉमन लिया तो 1 माइनस 9/10 ब्रैकेट में बचेगा, ठीक है, वो परसों मैंने बताया था डिस्काउंट कैसे निकाला जाता है, तो उसको एक बार और रिवाइज कर लेना, अभी आ गया धन्य, अब देखो ये अपना पहला मेथड था जिससे हमने आंसर निकाले, अब दूसरा मेथड है, आंसर याद रखो क्या है 3.23, अब दूसरा मेथड है वो ज्यादा अच्छा लगा मेरे को, मैंने जब यूज किए थे दोनों मेथड, तो ये सेकंड मेथड मेरे को ज्यादा अच्छा लगा, सेकंड मेथड में क्या करते हैं अपन, जहां कोइंसाइड ही डाला ना वहां का मेन स्केल रीडिंग लेना, टेक मेन स्केल रीडिंग ऑफ कोइंसाइडिंग, ये मेन स्केल रीडिंग कितना है 3.1, 3.2, 3.3, 3.4. तो जहां
कोइंसाइडिंग हो रहा है वहां का मेन स्केल रीडिंग लेने का। अब इसमें से क्या करने का, माइनस करने का, इसमें से क्या करने का, माइनस करने का 3.4 जाएगा ना रीडिंग 3.4, इसमें से माइनस करेंगे वर्नियर स्केल का कोइंसाइडिंग। तो ये वर्नियर स्केल है अपना 9/10 इंच। देखो कितना नंबर कोइंसाइडिंग है, कौन सा नंबर कोइंसाइडिंग है, थर्ड है कोइंसाइडिंग इंटू मेन स्केल डिवीजन 0.1, तो ये अपना आ जाएगा 9/27 2.7 अपॉन 10 3.4 माइनस 0.27। सो दैट विल गिव मी 3.13। ठीक है, ये अपने डायग्राम में गलती हुई है, जो अपने वैल्यूज दिया ना क्वेश्चन में उसके हिसाब से ये 3.5 कोइंसाइडिंग के साथ आना चाहिए था। ये जो लाइन उतारा ना मैंने, ये मैंने अपने दिल से उतारा, ऐसे उतारा कि स्पेसिंग अच्छी रहे इसकी। एक्चुअली ये जो कोइंसाइडिंग लाइन आई ना, यहाँ 3.5 नंबर की लाइन आना चाहिए था, थोड़ा सा इसको मैं पीछे सरका था, 1, 2, 3, 4 और ये 5। ठीक है, इससे हमारे पहले वाले रीडिंग में कोई फर्क नहीं आएगा, ये 3.5 आ जाएगा। ये जो हमारा पहला वाला जो रीडिंग आया था ना, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा, ये ऐसा, ये तो अभी भी 3.2 और 3.3 के बीच में जाएगा ना वर्नियर, ये 3.5 के साथ आ रहा, कोइंसाइडिंग लाइन 3.5 के साथ आ रहा, दैट शुड गिव मी 3.23 अगेन। या अपन ने अपने हिसाब से डायग्राम बनाए थे, वो लाइंस क्लियर लिखना चाहिए तुमको बोल के दूर दूर उतार, लेकिन वो प्रॉपर की कंडीशन से भी मैच होना चाहिए ना। वर्नियर के 10 डिविजन्स, मेन स्केल के 9 डिविजन्स आना चाहिए, तो वो नहीं हो रहा था मैच, तो इसके लिए उसको रीएडजस्ट करना पड़ा। ठीक है, तो ये दूसरी जो मेथड है ना, इसमें क्या करते हैं, वर्नियर की जो कोइंसाइडिंग लाइन है, वर्नियर की जो कोइंसाइडिंग लाइन है उसका मेन स्केल रीडिंग लेते, उसका क्या ले लेते हैं, मेन स्केल रीडिंग ले लेते, और वो मेन स्केल रीडिंग में से फिर माइनस कितने वर्नियर कोइंसाइड हो रहे हैं, वर्नियर स्केल की थर्ड लाइन कोइंसाइड हो रही, वर्नियर की कितनी लाइन कोइंसाइड हो रही, थर्ड लाइन, तो थर्ड लाइन 3 ले लिया मैंने, हाँ ले लो ले लो, ये समझ के लो मैंने, whatever is the mean square reading of coinciding, we have taken that value 3.5 minus,
अब ये जो तुम्हारी वर्नियर स्केल की लाइन है थर्ड लाइन कोइंसाइडिंग लाइन कौन सी है थर्ड तो ये थर्ड अब एक वर्नियर स्केल की वैल्यू कितनी है 9/10 MSD कितनी है 9/10 MSD है तो 9/10 लिया मैंने और एमएसडी बोले तो 0.1 है एमएसडी कितना है 0.1 है तो 3.5 ये कोइंसाइडिंग की मेन स्केल रीडिंग है माइनस 9/10 × 0.1 ये 1 BSD है और ऐसे कितने BSD कोइंसाइड हो रहे हमारे थर्ड वाली कोइंसाइड हो रही अगर फोर्थ वाली कोइंसाइड होती तो मैं यहां 4 लेता था अगर फिफ्थ वाली कोइंसाइड होती तो मैं यहां 5 लेता था बात समझ में आ गई तो 3.5 माइनस 9/10 × 3 × 0.1 ये पूरा मल्टीप्लीकेशन करके 0.27 आ गया तो 3.5 में से 0.27 माइनस किया तो आंसर आएगा 3.23 अब मेथड लिखा था फॉर्मूला में इस प्रोसीजर समझ में आ गया सेकंड वाला देखो सबके समझ में आ गया क्या Have you followed the method? अब उसमें देखो आगे this method can be used when M is greater than N. M is greater than N. Or M is. This method can be used when M is greater than N. Or M is. Less than n. पहली मेथड कब यूज हो सकती सिर्फ जब n n से छोटा है तब फर्स्ट मेथड कब यूज हो सकती जब m n से छोटा है तभी यूज हो सकती लेकिन ये जो सेकंड मेथड है ये m n से बड़ा रहा वो भी यूज होगी m n से छोटा रहा वो भी यूज होगी तो मेरे को लगता है ये ज्यादा इजी है यूज करने के लिए है ना क्योंकि दोनों केसेस में यूज हो रही वो खाली एक ही पॉसिबिलिटी में यूज होगी कब व्हेन एन इज लेस देन एन ये ध्यान में आ गया सबके अब इसका फॉर्मूला लिखो फॉर सेकेंड मेथड टोटल रीडिंग इज इक्वल टू MSR MSR का मतलब मेन स्केल रीडिंग The coinciding vernier line. Main scale reading of the coinciding vernier line minus Coinciding vernier line minus coinciding vernier line into into
value of 1 VSD coinciding vernier line into value of 1 VSD. VSD बोले तो vernier scale division. यहां तीसरी coincide हो गई बराबर, और एक VSD बोले तो एक line की value 9/10 mm दिया रही ये problem में, ठीक. तो 1 VSD की जगह पे ये डाल देने का 9/10 into MSD. MSD अपना 0.1 है, x जो निकाले थे अपने 0.1. ठीक है, तो फर्क क्या हुआ ये मेथड में कि पहले मेथड में हम क्या करते थे, वर्नियर का जीरो जहां टच हो रहा, वर्नियर का जीरो जहां टच हो रहा उसको मेन स्केल रीडिंग बोलते थे. उसको क्या बोलते थे, मेन स्केल रीडिंग. यहां पे मेन स्केल रीडिंग किसको बोल रहे हैं अपन, जहां कोइंसाइडिंग लाइन है, जहां कोइंसाइडिंग लाइन है. ये बात सबके समझ में आ गई. इज दिस पॉइंट वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. देखो ये सेकंड मेथड जो मैंने तुमको बताया ना, दिस इज अ वेरी पावरफुल टूल. इससे तुम्हारे को प्रॉब्लम सॉल्व करते रहेगा, खास करके JEE के अंदर. अब मेरे को नहीं पता ना आप इसे हाउ मेनी ऑफ यू आर गोइंग फॉर JEE एंड हाउ यू गोइंग फॉर NEET. तो JEE में ये क्वेश्चन आते हैं तो ये फटाफट आंसर लाने वाली मेथड है. सिर्फ MSR का लेने का तरीका दोनों मेथड में अलग है. पहले वाले में जीरो के साथ देखते MSR कितना है, दूसरे मेथड में कोइंसाइडिंग के साथ देखते. किसके साथ देखते, कोइंसाइडिंग के साथ देखते. आ गया सबके समझ में. लिख लिया ओम फॉर्मूला लिख लिया दर्शना ध्यान में आ गया. ठीक है, तो ये वर्नियर कैलिपर के क्वेश्चंस इस तरह से सॉल्व हो सकते हैं. देखो अभी अपन है ना क्वेश्चन सॉल्व करना सीख रहे हैं, ठीक है. इसका मतलब ये आर्टिकल हम फिर से कभी डिस्कस ही नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं होगा है ना. जब हम लाइव इंटरेक्शन में मिलेंगे, अभी लाइव ही है लेकिन वो वाला लाइव कौन सा वाला, आप और मैं आमने सामने, नॉट फोटो फोटो. अभी तो फोटो फोटो चल रहा ना आपका, मेरा तो भी आपको फोटो दिख रहा, आपका तो मेरे को फोटो भी नहीं दिख रहा, खाली कॉमेंट दिख रहे बस है ना. तो जब हम आमने सामने मिलेंगे तब आपके पास इंस्ट्रूमेंट भी है, तो ये इंस्ट्रूमेंट देख के हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, राइट. अच्छा अब ये जो इंस्ट्रूमेंट है, ये जो मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है, इसको जब मैं पूरी तरह से पैक कर दूंगा, पूरी तरह से क्या कर दूंगा, पैक कर दूंगा, तो ये दोनों जॉस मिल गए एक दूसरे के साथ. When I have packed the instrument completely, both the jaws are meeting each other, right? अब तुम मेरे को ये देख के बोलो कि मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो कोइंसाइड हो रहा है क्या? Is the zero of main scale coinciding with the zero of the vernier scale? देखो वेरी गुड, इसका मतलब इस इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर नहीं है. अगर मेन स्केल का जीरो वर्नियर स्केल के जीरो के साथ कोइंसाइड हो रहा है, कोइंसाइड हो गया ना दोनों, इसका मतलब इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर नहीं है. लिख के रखो, इफ जीरो ऑफ मेन स्केल
is coinciding if 0 of main scale is coinciding with the 0 of the vernier scale then there is no zero error. ठीक है, अभी कभी-कभी क्या होता है, ऐसा होता तो नहीं वर्नियर में, बहुत कम होता है, क्योंकि ये स्टिफ है जॉस, इसके जॉस कैसे हैं, अच्छे स्टिफ होते हैं, तो ये नॉर्मली ऐसा होता नहीं, इसमें एरर आए, ठीक है, लेकिन दिखाने वाले क्या होता, कि बहुत पुराना इंस्ट्रूमेंट हो गया ना, तो ये दोनों जब अपन कॉन्टैक्ट में लेके आते ना, ये ऐसे जब ये खुल गए, ठीक है जब इनको वापस कांटेक्ट में लेके आते हैं तो ये स्लिप हो जाता है आगे पीछे हो जाता है तो आगे पीछे हो गया तो ये जीरो एरर इसमें आ जाता तो नॉर्मली वर्नियर कैलिपर्स यू डोंट गेट एनी जीरो एरर बट इफ एट ऑल यू गेट अगर आया तो कैसा आएगा ये तुम्हारा मेन स्केल यहां पे इसका जीरो है ठीक अब वर्नियर स्केल इसके पहले आ जाएगा इधर ये वर्नियर का जीरो नंबर का लाइन ये वन नंबर का लाइन ये टू नंबर का लाइन और ये थ्री नंबर का लाइन तो मेन स्केल के जीरो को वर्नियर का जीरो मिलना चाहिए था लेकिन मिल रहा क्या नहीं मिल रहा इसका मतलब यह हुआ कि हमारे इंस्ट्रूमेंट में थ्री वर्नियर डिविजन्स का एरर है कितने वर्नियर डिविजन्स का एरर है थ्री वर्नियर डिविजन्स का एरर है क्योंकि जीरो की जगह थ्री कोइंसाइड कर रहा मेन स्केल के जीरो के साथ कौन कोइंसाइड कर रहा वर्नियर स्केल का थर्ड लाइन इसका मतलब देयर इज अ एरर ऑफ थ्री इसको बोलते हैं पॉजिटिव एरर कौन सा एरर पॉजिटिव एरर क्योंकि हमेशा तुम्हारे वर्नियर के तीन लाइन आगे ही बताएगा ना जब भी तुम रीडिंग लेंगे इसको यूज करके कोई भी इंस्ट्रूमेंट लगा के सपोज तुमको ये पेन की लेंथ गिनना है तो जब इसकी वर्नियर रीडिंग तुम लेंगे तो जितनी आना चाहिए उससे तीन ज्यादा आएंगे ठीक है तो तुम्हारी जो भी वर्नियर स्केल की रीडिंग आएगी उसमें से थ्री क्या कर देने का माइनस कर देने का सपोज वर्नियर की स्केल की रीडिंग आई सेवन तो सेवन माइनस थ्री बचा क्या फोर तो तुमने करेक्शन कर लिया क्या कर लिया करेक्शन तो एरर पॉजिटिव था तो माइनस करने का एरर पॉजिटिव है तो क्या करने का माइनस करने का और अगर एरर निगेटिव है तो प्लस करने का अगर एरर निगेटिव है तो क्या करने का प्लस करने का अब इसमें निगेटिव एरर मुश्किल है क्योंकि निगेटिव एरर तब आएगा जब ये तुम्हारा मेन स्केल ठीक है जीरो और वर्नियर स्केल यहीं कहीं पर रुक गया तो ये वर्नियर का जो जीरो है ये तुम्हारा वन मेन स्केल की सेकेंड लाइन को टच कर दिया ऐसा तो नहीं होगा ना कि ये गैप बंद ही नहीं हो रहा ये गैप ऐसा तो नहीं होगा मुश्किल है या ऐसे ही चला जा रहा ऐसा तो कभी नहीं होगा ना ये तो क्लोज होगा इस तो निगेटिव एरर यूजुअली नहीं आता है जो एरर आएगा वो हमेशा कौन सा आएगा पॉजिटिव एरर आ जाएगा ठीक है
वर्नियर कैलिपर सबके समझ में आ गया Has everybody followed vernier caliper? उसका least count कैसे निकालना है और उसके readings जब diagram बना के देगा तो reading भी हम निकाल सकते हैं Usually ये diagram बना के देगा आपको जैसे अपन ने दो तीन questions करे ना वैसे diagrams बना के दे देगा Okay? Have you followed this very clearly? चलो very good. अब देखो दूसरा इंस्ट्रूमेंट जिसपे क्वेश्चन आते हैं वो है स्क्रू गेज वो क्या है स्क्रू गेज अब स्क्रू गेज बताता मैं तुम्हारे को अपने पास स्क्रू गेज भी है इसके अंदर एक स्क्रू होता है दिख रहा है स्क्रू तो इसको बोलते हैं स्क्रू गेज इसको ऐसे घुमाते हैं तो ये स्क्रू खुलता जा रहा है बीच में गैप दिख रहा नहीं ये गैप बड़ा 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 होते जा रहा ये मेरी उंगली भी जा सकती है आराम से अब इसको मैंने पैक किया तो ये गैप छोटा होते जाएगा अब देखो मेरी उंगली नहीं जा रही इसमें इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू पुट माई फिंगर आई हियर ओके तो ये ऑब्जेक्ट का थिकनेस या किसी वायर का रेडियस बारीक वायर है उसका रेडियस निकालना है यू कैन यूज स्क्रू गेज अब स्क्रू गेज के अंदर ध्यान से देखो मैं बता रहा आपको ठीक है ये अंदर एक स्केल है यहां पे दिख रहा है अंदर उंगली मेरी अब देखो ये स्केल दिख रही है क्या आपको 0, 5, 10 लिखा रहेगा उसके ऊपर है ना देखो जीरो फाइव टेन इसको मेन स्केल बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको मेन स्केल बोलते हैं जो तो ये मेन स्केल हो गया 0, 5, 10 ये 0, 5, 10 जो है ये मिलीमीटर में है क्या में है ये मिलीमीटर में है अब मेरे को कैसा मालूम ये मिलीमीटर में है How do I know this is in millimeter? इसके ऊपर लिखा रहता है ये स्क्रू गेज है ना अपना इसके ऊपर यहां लिखा है देखो 0 to 25 मिलीमीटर ये यहां लिखा है देखो यहां कहीं तो भी है 0 to 25 मिलीमीटर ऐसा इस पर लिखा हुआ है इसका मतलब इसकी जो मेन स्केल मार्किंग है वो मिलीमीटर में है क्या में है वो मिलीमीटर में है ठीक है यहां लिखा हुआ है इसके जीरो ये जो पार्ट है ना यहां पे यहां लिखा हुआ है 0 to 25 mm ओके अच्छा उसके बाद यहां पे एक और स्केल है मेन स्केल है ना अंदर ये अंदर तो मेन स्केल है उसके ऊपर यहां पे ये स्केल है ये वाली एक इस पे भी मार्किंग है लाइंस बने हुए देखो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस दिखे रहे होंगे उस पर लिखा होगा 5, 10, 20, 30, 40, 50 ठीक है इसको सर्कुलर स्केल बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं सर्कुलर स्केल बोलते हैं अब ये मैं आपको बोर्ड पे उतार के बता देता ठीक है जिनको नहीं दिखा दिया होगा वो आप देख सकते हैं ऐसा इसका ये यहां पे इसको एक ऐसा छोटा सा लॉक दिया हुआ रहता और ये अंदर का स्क्रू आता है बराबर इसके साइज का ही होता है ये ऐसा ये ऊपर
से ऐसे गोल आती है इसके ऊपर एक स्केल, इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है, और एनलार्ज ये अंदर की स्केल और ये इसके ऊपर स्केल आती है ऐसी, तो ऊपर वाली जो स्केल है ना ऐसे राउंड है, ऐसी ऐसे ऐसे घूमती है इसके ऊपर, तो ये आपका मेन स्केल का मार्किंग आएगा अंदर से, जो मैंने आपको बताया मिलीमीटर में बोला था मैंने मार्किंग है, उसी तरह पे ये सर्कुलर स्केल की भी मार्किंग होती है, ये सर्कुलर स्केल की भी अपनी मार्किंग यहीं पे होती है, इसके ऊपर लिखा रहेगा ऐसा राउंड आएगा ना स्केल, ये पूरा गोल रहता है, ये यहां 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ऐसे गोल घूम के वापस आ जाता हूं, तो इसको सर्कुलर स्केल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको सर्कुलर स्केल, तो एक होती है मेन स्केल, दूसरी होती है सर्कुलर स्केल, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है इसको बोलते हैं स्क्रू गेज। अब यहां पे मेन स्केल पे ऑन द मेन स्केल वैल्यू ऑफ वन डिविजन इज इक्वल टू द पिच ऑफ द स्क्रू, मेन स्केल में एक लाइन की वैल्यू बोले तो स्क्रू का पिच होता है, क्या होता है स्क्रू का पिच, पिच बोले तो क्या स्क्रू रहता ना, स्क्रू स्क्रू में थ्रेड रहते, क्या रहते थ्रेड, तो ये दो कंसेक्यूटिव थ्रेड्स, दो कंसेक्यूटिव थ्रेड्स इनके बीच में जो डिस्टेंस आता है उसको पिच बोलते हैं, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव थ्रेड्स, ये ऐसे थ्रेड होते हैं ना स्क्रू में, तो ये एक थ्रेड है और ये एक थ्रेड है, इनके बीच में जो डिस्टेंस रहेगा उसको पिच बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा उसको पिच, तो जब स्क्रू एक रोटेशन पूरा कर लेता है तो एक पिच सरक जाता है, क्या सरक जाता एक पिच सरकेगा, ठीक है, तो पिच ऑफ द स्क्रू और मेन स्केल की एक लाइन की वैल्यू बोथ आर वन एंड द सेम, ठीक, तो मेरे को अगर पिच दे दिया तो आई नो द वैल्यू ऑफ वन लाइन ऑफ मेन स्केल, ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसके लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है पिच ऑफ स्क्रू, डिस्काउंट इज गिवन बाय पिच ऑफ स्क्रू, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन, यह है तुम्हारा लीस्ट काउंट का फॉर्मूला, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू अब पिच ऑफ द स्क्रू, अब ये जो मैं इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा हूं ना इस पे पिच है 0.1 सेंटीमीटर,
कितना है 0.1 सेंटीमीटर को निकाल सकते हैं। जब इंस्ट्रूमेंट अपने पास आ जाएगा ना, अपन क्या करते हैं, इसको पूरा बंद कर देते, पैक कर दिए। अब इसका मेन स्केल का जीरो और सर्कुलर स्केल का जीरो दोनों मैच हो जाएंगे। सर्कुलर स्केल पे भी जीरो लिखा हुआ है, मेन स्केल की भी जीरो की लाइन अपने को नजर आती है, तो दोनों मैच हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये स्क्रू पैक हो गया, हो गया। अब क्या करने का, इसको 10 रोटेशन देने का। एक रोटेशन देंगे तो जीरो आएगा घूम के वापस, एक, फिर दूसरी बार जीरो आया, दो, फिर तीसरी बार जीरो आया, तीन। तो ऐसे नंबर ऑफ रोटेशंस हम देंगे कितने, 10। अब 10 रोटेशन जब मैंने दिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, तो मैंने देखा कि मेन स्केल 10 लाइंस सरक गया। कितना सरक गया, 10 लाइंस। पूरा पैक था तो मेन स्केल कुछ भी नहीं दिख रहा था, 10 रोटेशन दिया तो मेन स्केल कितने लाइंस से सरक गया, 10 लाइंस। इसका मतलब 10 रोटेशन में 10 लाइंस, तो 1 रोटेशन में 1 लाइन, 1 लाइन की वैल्यू 0.1 है, इसीलिए मैंने पिच 0.1 लिया है। ओके, अब इसके ऊपर जो सर्कुलर स्केल है, इट हैज 100 डिविजन्स। सर्कुलर स्केल हैज गॉट हाउ मेनी डिविजन्स, 100 डिविजन्स। सो देन आई कैन राइट लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 0.001 सेंटीमीटर। ये इजी है, लीस्ट काउंट निकालने में ये इजी है वर्नियर कैलिपर से, लेकिन इससे एरर का प्रॉब्लम ज्यादा आता है। इसमें दोनों एरर आते हैं, पॉजिटिव भी आता है और निगेटिव भी आता है, वो करेंगे अपन डिस्कस आगे। इज दिस नॉट क्लियर टू यू? तो ये स्क्रू गेज होता है, इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम्स में। कभी डायग्राम बना के न्यूमेरिकल देगा, कभी थ्योरेटिकल देगा, मतलब बगैर डायग्राम का देगा। तो दोनों टाइप के न्यूमेरिकल्स अपन डिस्कस करेंगे, उसको सॉल्व भी करेंगे, लेकिन कब करेंगे वो कल के क्लास में करेंगे। ठीक है, विल टेक दैट इन टुमारोज लेक्चर। टुमारो वी हैव क्लास एज यूजुअल, नो हॉलीडे टुमारो। ईद की छुट्टी हम तुम्हारे को देंगे संडे से देंगे। कब से देंगे, संडे से देंगे। और कब तक देंगे, मंडे तक देंगे, देंगे संडे से, कब तक, अप टू मंडे। ठीक है, इज दिस पार्ट क्लियर? वो ज्यादा होगी अश्मीरा, नहीं दो दिन तो होना ना, मंडे को भी ईद हो सकती ना, आइदर संडे या मंडे। चलो ठीक है, तुम बोले तो एक दिन और बढ़ा देंगे उसको, लेकिन ऑनलाइन ही चाहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे हिसाब से। देखते हैं कल डिसाइड करेंगे, कल के क्लास में डिसाइड करेंगे अपन। ठीक है, शैल वी स्टॉप हियर? हैव अ नाइस डे, सी यू अगेन, बाय। मेरे को बातें करने की बहुत आदत है, एक्चुअली आई हैव लॉट ऑफ वेरी टॉकेटिव नेचर, सो आई कीप ऑन टॉकिंग टॉकिंग। आई नीड स्टूडेंट्स टू टॉक, बट नॉट टॉक मींस मैं पढ़ा रहा हूं तुम उधर बातें कर, ऐसा नहीं। आई नीड स्टूडेंट्स टू टॉक टू मी कंटिन्यूअसली। मैं पूछा बोला, मैं पूछा आंसर दिया, मैं पूछा आंसर दिया, तो वो मजा आ रहा है। ठीक है ना, तो वैसा देते जाएगा आंसर। ओके, विल स्टॉप हियर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।